हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ फिरनी की रेसिपी। ये फिरनी ना काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम सामग्री में बनने वाली चीज़ है। इसके लिए मैंने 2 चम्मच रेगुलर चावल को धोकर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। और इधर दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध को उबलने के लिए रखूँगी। दूध को धीरे धीरे चलाते हुए उबालना है। जब ये दूध उबल जाए तो इसे बीच बीच में बस इसे क्या करना है ना, थोड़ा सा ही गाढ़ा करना है। इसे रबड़ी की तरफ बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस बीच बीच में चलाते जाएं ताकि ये नीचे से बैठे नहीं। जब तक दूध उधर गाढ़ी हो रही है तब तक मैं क्या करूँगी, इधर इस जो चावल मैंने फूलने के लिए दिया था उसका मैं एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। और हाँ, अगर आपके पास चावल का आटा हो ना तो आप चावल के आटे को भी आधे घंटे के लिए फूलने दे सकते हैं, तो आपको उसमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इधर दूध जब आधी गाढ़ी हो गई ना तब मैं इसमें केसर डालूँगी। केसर डाल के इसे मिक्स करके थोड़ा और उबलने दूंगी। देखो अब केसर अपना कलर धीरे धीरे छोड़ रही है। अब मैं इसमें ये चावल का जो घोल है ना इसे मैं डालूंगी। जैसे ही मैं ये चावल का घोल इसमें डालूंगी इसे दूसरे हाथ से मैं फटाफट इसे चलाती जाऊंगी, नहीं तो चावल का ये घोल नीचे जाके बैठ जाती है। इसे लगातार यूं ही चला के थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। चीनी मैंने 1/2 कप लिया है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ नीतू, होम सेफ नीतू में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही आसान आसान और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। थैंक यू। अगर मैं खुद की बात करूँ ना तो ये फिरनी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं इस स्वीट्स को कभी भी किसी भी टाइम बना के खा सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात है ये बनाने में बहुत ही आसान है। ये फिरनी अब रेडी है क्योंकि इसका जो ये टेक्सचर है ना ये परफेक्ट है। ये जब ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड करूँगी। थोड़े ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, पिस्ता मैंने काट के डाले हैं। ये सब ऑप्शनल है, लेकिन हाँ अगर आपको ये ड्राई फ्रूट्स पसंद है ना तो आप इस फिरनी में ज़रूर डालें, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं इस फिरनी को 2 से 3 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए रख दूँगी। चिल्ड फिरनी अब सर्व करने के लिए तैयार है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक यू।